है मेरे परमात्मा, मैं साक्षी देता हूँ। है मेरे परमात्मा, मैं साक्षी देता हूँ कि तुझे पहचानने और तेरी ही पूजा के लिए तूने मुझे उत्पन्न किया है। तूने मुझे उत्पन्न किया है, हे मेरे परमात्मा, मैं साक्षी देता हूँ कि तुझे पहचानने पर तेरी ही पूजा के लिए तूने मुझे उत्पन्न किया है। तूने मुझे उत्पन्न किया। जितनी भी बुद्धिमत्ता थी होली कुरान शरीफ में आ गई, और 550 वर्ष पूर्व तक की जितनी बुद्धिमत्ता थी गुरु ग्रंथ साहब में आ गई, और 200 वर्ष पूर्व तक की जितनी बुद्धिमत्ता थी वो भाई किताब में आ गई। तो ये जो है सारी बुद्धिमत्ताएं, ये प्रोग्रेसिव रिवॉल्यूशन रिलीजियस ट्रुथ इज रिवील्ड बाई वन गॉड प्रोग्रेसिवली एंड साइक्लिकली ओवर ए टाइम through a series of divine teachers, and the teachings are tailored to suit the needs of different ages and places of their appearance. तो ये धर्म एक है, और धर्म के मानी एक ही है। इन शिक्षाओं को एक परमात्मा की, इनको जानना और इन पर चलना, यही हमारे स्कूल की प्रार्थना है। आई बियर विटनेस टू माय गॉड, थाउ हैज क्रिएटेड मी टू नो दी, तुझे जानने के माने तेरी शिक्षाओं को जानने के, and to worship thee, that means obey thee, यानी राम की मर्यादा, कृष्ण का न्याय, बुद्ध की समता, ईसु मसीह की करुणा, मोहम्मद का भाईचारा, नानक का त्याग, बाहुल्ला की एक, ये सारे गुण हमारे बच्चों में आए। यहाँ पर यही बताया गया है, ये एक बालक बैठा है स्कूल में, इसे हमें क्या देना है, दिव्य लोक का ज्ञान। तो राम की मर्यादा, यहाँ पर राम का चित्र नहीं है, उसका कारण है कि ये रिवील्ड बुक से परमात्मा ने राम को कोई दिव्य पुस्तक रिवील नहीं की, उनको तो ज्ञान दिया मर्यादा का, इसलिए और इनके ऊपर जब राम की मृत्यु के 7000 वर्ष के बाद, यानी आज से 500 वर्ष पूर्व तुलसीदास जी का जन्म हुआ, उनके ऊपर एक रामायण लिखी गई, तुलसीदास जी लिखी। लेकिन ये किताबों में और किताब में फर्क है, ये किताबें अनएरिंग है, कलेक्टेड विजडम है, परमात्मा की भेजी, और ये किताब परमात्मा की भेजी हुई नहीं है, ये किताब एक संत की लिखी है। इस किताब में जितनी भी वाणियाँ हैं ये सब हमारी इन सब किताबों की शिक्षाओं से मेल खाती है, गीता से, त्रिपिटक से, बाइबल से, कुरान से, गुरु ग्रंथ साहब से, भाई शिक्षाओं से, सबसे मेल खाती है। लेकिन एक इसमें तालीम है जो मेल नहीं खाती, तो इसीलिए इसको कहते हैं रिवील्ड बुक्स आर अनरिंग, इसमें त्रुटि हो सकती है। अब त्रुटि क्या है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल गमार अशिक्षित लोग, तो सारे अवतार तो अशिक्षित थे, इनमें से कोई हाई स्कूल इंटरमीडिएट क्या सुने, हाई स्कूल प्राइमरी में नहीं था, कोई स्कूल ही नहीं था, तो ये सभी स्वयं अशिक्षित ढोल गमार और शूद्र। तो ये तो भगवान बुद्ध ने कहा शूद्र लोग, अशुद्ध तो कोई होता ही नहीं, वर्ण सवर्ण और ढोल मार शुद्ध पशु तो हमारे बहुत काम आता है, गाय हमें दूध देती है, बकरी दूध देती है, गाय का बछड़ा हमारे खेत में होता है बड़े होकर, तो उससे हमारे गेहूं पैदा होता है, उसे हम खाते हैं, तो क्या ताड़ना के अधिकारी। और नारी किसने इन सब अवतारों को जन्म दिया, हम सबको जन्म दिया, जन्मदात्री है, क्या वो प्रताड़ना के अधिकारी है। पुरुष सारे अपराध करता है ज्यादा ज्यादा, नारी तो उतना अपराध भी नहीं करती, तो फिर नारी को जो प्रताड़ित किया जाए, तो इसमें है ढोल गमार शुद्ध पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये शिक्षा जो है ये तुलसीदास जी की रामायण में कैसे आई,
मुझे इसमें बहुत ही बहुत लोगों से 30-40 वर्षों से मैंने सैकड़ों लोगों से पूछा, संत और महात्माओं से, ऋषि मुनियों से, बद्रीनाथ केदारनाथ कोई ऐसा तीर्थ नहीं है जहाँ मैं न गया हूँ, और बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भी मैंने इसके बारे में पूछा, कोई उत्तर नहीं मिला था। ये बस एक उत्तर मिल गया मुझे कि ये अनेरिंग है, ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनेरिंग एंड कलेक्टेड विजडम, ये त्रुटि रहित है और संग्रहित ज्ञान है परमात्मा का, और जो रिवील्ड नहीं है उसमें त्रुटि हो सकती है, तो त्रुटि पूर्ण है, इसमें त्रुटि है, ये त्रुटि तो इसलिए कोई भी संत महात्मा की वाणी हो उसको मानिए, लेकिन पहले देख लीजिए कि गीता की शिक्षा के अनुकूल है, यदि त्रिपिटक और बाइबल और कुरान और गुरु ग्रंथ और किताब एक दस के अनुकूल है तो आप बिल्कुल मानिए, उस संत की वाणी बिल्कुल सही है, लेकिन इन किताबों से मेल नहीं खाती तो इसके मानी वो त्रुटिपूर्ण है, उसमें त्रुटि है। तो प्रिय मित्रों, ये इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चा बैठा है बाल्यावस्था से, क्योंकि देखिए ए चाइल्ड इज अ होप इन द प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर, इस दुनिया की आशा एक बालक है। मैं आपको ये बताऊँ कि देखिए यहाँ एक छोटा सा मेरे पास तार है, इस तार का आप चाहें तो फोटो ले सकते हैं, इस तार में से प्लास्टिक को उतार दें तो इसमें लोहे का वायर होगा, उसकी भी फोटो ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है इसकी आप फोटो नहीं ले सकते, जब यदि ये पावर हाउस से जुड़ जाए तब भी नहीं ले सकते, और न जुड़े तब भी नहीं, उसमें अंदर क्या है, लेकिन यदि पावर हाउस से जुड़ जाए तो क्या होता है कि देखिए ये बल्ब लगा दें तो बल्ब जल जाएगा, बड़ा बल्ब लगा दें तो बड़ा बल्ब जल जाएगा, पंखे से लगा दें तो पंखा चल जाएगा, तब लगता है कि तार को पावर हाउस से जुड़ा हुआ है, तो पावर हाउस से जुड़ा है तो ये होगा। अब देखिए बाल्यावस्था की शिक्षा, अभी टेररिस्ट लखनऊ में पकड़ा गया, उसके पिता ने कहा कि मैं इसके डेड बॉडी को नहीं लूंगा, और ये पढ़ा लिखा लड़का है, पढ़ाया लिखाया क्या पढ़ाई लिखी, अंग्रेजी भूगोल गणित विज्ञान तो सब जानता है, बम बनाने का तरीका भी उसने सीखा, सारे उसके निकले हैं, लेकिन उसके माइंड में क्या पड़ा है, तो देखिए ये बात ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी भूगोल गणित का रिजल्ट जो आज आपको मिलने जा रहा है ये सफलता की जिंदगी की गारंटी नहीं है, इससे नहीं पता लगेगा कि बालक बड़े होकर क्या बनेगा, इस बचपन में जो शिक्षा जाती है उसका कोई फोटो आप नहीं ले सकते, लेकिन जब बालक बड़ा हो जाता है और परमात्मा से जोड़ दे तो कैसे काम कर सकता है, महात्मा गांधी बन सकता है, परमात्मा से जुड़ गया तो एक अब्राहम लिंकन मोची का लड़का अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, और उसने काले गोरे के भेद को मिटा दिया, गोरा था उन्होंने कहा कालों के प्रति अन्याय हो रहा है ये गलत है, सारे स्कूल कॉलेज खोल दिए उसने कालों के लिए, होटलों में काले नहीं जा सकते थे सब खोल दिए उसने, उन्होंने कहा कि ये कालों के प्रति अन्याय है ये गलत है अमानवीय है अनीश्वरीय है, और उसने डेमोक्रेसी फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल का नारा दिया, और दुनिया के अधिकांश देश डेमोक्रेटाइज हो गए, आज हिंदुस्तान में कल इसका रिजल्ट यूपी का आने वाला है, तो सब डेमोक्रेसी हो गई, एक अदना सा छूतों पर पॉलिश करने वाला एक मोची का लड़का इतना महान कैसे बन गया, उसकी माँ ने बचपन में ईश्वर भक्ति के पाठ डाल दिए थे, महात्मा गांधी इतने महान कैसे बने, महात्मा गांधी की जो माता जी थी पुत्री बाई, जब उनका जन्म हुआ तो एक सहेली आई तो उससे पूछा कि सहेली ये बता मैं अपने बेटे को महान बनाना चाहती हूँ कैसे बना सकती हूँ, तो उन्होंने कहा बहुत आसान है, बोले हाँ कैसे, किसी महान से दोस्ती करा देना, तो पुतली बाई बोली ये महान कहाँ से लाऊंगी मैं, और मेरे यहाँ क्यों आएगा कोई, और मैं कैसे पहचानूंगी महान है कि नहीं, तब सहेली ने कहा अच्छा देख ये तू सबसे ज्यादा महान बनाना चाहे तो सबसे आसान है, बोले अच्छा सबसे महान बनाना सबसे आसान है, बोले हाँ वो कैसे, अरे सबसे महान को तो हम सभी जानते हैं वो परमात्मा है उससे दोस्ती करा देना, तो वो बोली कि परमात्मा से दोस्ती हाँ कैसे होगी, बस प्रार्थना सिखा देना, प्रार्थना भगवान की और वो दोस्ती हो जाएगी, माँ की बात समझ में आई,
थोड़े दिन बाद जब दम आया तो एक चद्दर बिछाई, बेटे को उस चद्दर पे रखा, पोटली बनाई कंधे पे डाली और वो मंदिर लेके चली गई। पोटली खोल दी मंदिर में और भगवान के सामने बच्चे को रख दिया और वो भजन गाने लगी, इसे अपनी शरण में ले लो नाथ, इसे अपनी शरण में ले लो रे नाथ। और धीरे धीरे करके रोजाना भजन गाती और बस उसे पोटली बांधती घर आ जाती। एक दिन गांधी जी ने आंखें भी खोली कान भी खोल दिए, माँ का स्वामी स्वरूप देखा, भजन गाते देखा, माँ पे लट्टू हो गई, अब माँ से भजन सीखने लगे। गांधी जी को माँ ने भजन सिखाया, भगवान के भक्त बने और इतने महान बने कि देश को आजाद करा। सारे दुनिया में आज महात्मा गांधी को लोग सम्मान देते। एक मामूली मामूली दीवान तो 4-4.5 रुपये महीने की तनख्वाह थी, एक छोटे से जमींदार के मुंशी थे लेखपाल, दीवान माने लेखपाल, उनका लड़का इतना महान बना कि अंग्रेज को बाहर उसने भगाया, देश को आजाद कराया। आज दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें गांधी जी पर PhD और DLit की रिसर्च करके बच्चों को डिग्री नहीं मिलती हूँ। तो इतना महान उस माँ ने बनाया जो अशिक्षित थी, इलिटरेट थी, लेकिन उसे ये मालूम था ईश्वर की भक्ति सिखानी है। तो बाल्यावस्था से ईश्वर की भक्ति सिखाए और ईश्वर की आज्ञाओं को चलने की शिक्षा दें, इससे महान बनते हैं। तो एक बच्चा उसके मस्तिष्क में क्या आया तो वो गांधी बन गया, और इसके मस्तिष्क में क्या आया ये टेररिस्ट बना, आतंकवादी बन गया। तो आप देखिए मस्तिष्क में क्या जा रहा है। ये अंग्रेजी भूगोल के नंबर तो जरूरी है क्योंकि मनुष्य भौतिक प्राणी है, भौतिक ज्ञान जरूरी है, लेकिन सामाजिक ज्ञान, समाज के प्रति ज्ञान, ये सारी ये सब जमीन है मेरी, ये आसमान है मेरा, मकीन है हर मकान में, हर एक मकान है मेरा, ये वसुधा मेरी कुटुंब है, ये भी बच्चों में डालना चाहिए। और साथ ही साथ ये परमात्मा, ये आत्मा मेरे अंदर है और उस परमात्मा से जो दिव्य ज्ञान आया है ये सभी बच्चे को डालना चाहिए। इस बच्चे को स्कूल में बैठा है ये सब ज्ञान मिलना चाहिए। यहाँ पर एक घर है, बच्चे के 3 विद्यालय होते हैं, क्लासरूम नंबर 1 द होम फर्स्ट सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, वो परिवार जो मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं, मिलजुल कर प्रगति करते हैं। घर में माता है, पिता है, बेटा है, बेटी है, सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। घर में गीता भी है, कुरान भी है, बाइबल भी है, गुरु ग्रंथ भी है, घर पर दिव्य प्रकाश परमात्मा का है और इस घर में सब अवतारों की शिक्षाओं का ज्ञान बच्चों को कराते हैं। तो ऐसा घर होना चाहिए हमारा। अभी आप देखिए क्लासरूम नंबर 2 बच्चे का सेकेंडरी सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है, ये स्कूल भी दिव्य प्रकाश होना चाहिए, डिनोमिनेशन नहीं होना चाहिए। आप कैथोलिक के स्कूल, प्रोटेस्टेंट के स्कूल, शियाओं के स्कूल, सुन्नियों के स्कूल, हिंदुओं के स्कूल, जैनियों के स्कूल, ये सब नहीं होने चाहिए, डिनोमिनेशन नहीं होने चाहिए। स्कूल तो समाज के प्रकाश का केंद्र है, ये तो ईश्वरीय प्रकाश का केंद्र है। स्कूल द लाइट हाउस ऑफ सोसाइटी टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एजुकेशन, स्पिरिचुअल डायरेक्शन, गाइडेंस, लीडरशिप टू स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड द सोसाइटी इन जनरल। यहाँ पे स्कूल में पढ़ाई तो होती है लेकिन प्रार्थना पर महत्व कम है, दोनों चीज जरूरी है, पढ़ाई और प्रार्थना। और लेट अस मेक एवरी चाइल्ड बोथ गुड एंड स्मार्ट, गुड भी बने माने गॉडली बने, गुड माने अच्छे गुण हो, कौन से गुण जो परमात्मा ने भेजे ये सब गुण हो, तो गुड बने और फिर स्मार्ट बने। पहले हम ईश्वरीय गुणों भरें और फिर स्मार्ट बनाए, फिर गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैन। यदि दोनों बनेगी तो क्या बनेगा बालक, गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैन का यानी प्राइड ऑफ ह्यूमन रेस। और इसके लिए नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअल परसेप्शन एंड एलोक्वेंट स्पीच और यूनिवर्सल वैल्यूज, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, सर्विस टू द वर्ल्ड एंड एक्सीलेंस इन ऑल थिंग्स, ये 8 गुण CMS सिखाता है, ये गुण भी आपको सिखाने चाहिए। और तीसरा क्लासरूम है सोसाइटी, थर्ड सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट, ये ईश्वर एक है, सारी किताबें एक परमात्मा से आई है, ऑल द इनकार्नेशन ब्रिंग मैसेजेस ओनली वन इन द सेम गॉड, ये सारे दिव्य ज्ञान एक परमात्मा से आए। ऑल पीपल शुड प्रे टूगेदर सिंस देयर इज ओनली वन गॉड, सबको एक साथ मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे संत और महात्मा तरह तरह के कपड़े पहनकर, तरह तरह के टोपे टोपियां और तिलक और दाढ़ियां और ऊंचे रखकर ये साबित करते हैं कि हम कितने डिफरेंट हैं, कितने फर्क हैं। अरे भाई ईश्वर भक्त हो
तो फिर ये सारी बातें बताओ, ईश्वर तो एक है, ये बात बताओ सारे को। देखिए गांधी जी ने कहा था, इफ वी आर टू टीच द रियल पीस इन दिस वर्ल्ड एंड डिविनिटी इन दिस वर्ल्ड, इफ वी आर टू कैरी ऑन द रियल वॉर अगेंस्ट वॉर, वी शैल हैव टू बिगिन विद द चिल्ड्रन, बच्चों से शुरुआत करनी होगी। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, नेल्सन मंडेला ने कहा था। पॉलो फ्रेरी ने कहा था, एजुकेशन डज नॉट चेंज द वर्ल्ड, एजुकेशन चेंजेस द पीपल, पीपल चेंजेस द वर्ल्ड। तो सीएमएस की एजुकेशन बच्चों को बदलने की कोशिश है और दे विल चेंज द वर्ल्ड। और विक्टर ह्यूगो ने कहा था, देयर इज वन थिंग स्ट्रॉन्गर देन ऑल द आर्मीज इन द वर्ल्ड एंड दैट इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, बैलेंस्ड एजुकेशन ऑफ ऑल द थ्री रियलिटीज ऑफ लाइफ दैट इज मटेरियल ह्यूमन एंड डिवाइन इज द आइडिया हुज टाइम हैज कम। यहाँ पर एक बल्ब है, पावर हाउस से जुड़ गया तो आप देखिए इसमें रोशनी आ गई, पावर हाउस से जुड़ गया तो रोशनी आ गई, और तार टूट जाए तो अंधेरा आ जाता है। यहाँ एक बालक है, ये बालक दिव्य लोक से जुड़ गया, ये दिव्य लोक से सारी किताबें एक परमात्मा से आई हैं, गीता त्रिपिटक बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ साहब, तो ये समझ नहीं, इन सब को जान जाए तो क्या बनेगा, रैशनल विचारवान, वाइज बुद्धिमान, गॉडली ईश्वरी गुड अच्छा इंसान, टोटल क्वालिटी पर्सन, टोटल क्वालिटी मैनेजर, टीक्रम लाइक ए डिवाइन एंजल, ए गुड ह्यूमन बींग, ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन सोसाइटी। और कहीं तार टूट जाए पूरे दिव्य लोक से, खाली हिंदू बन जाए, खाली मुसलमान, खाली सिख, खाली ईसाई, खाली शिया, खाली सुन्नी, तो क्या हो सकता है। डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द एंटायर नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम ऑफ गॉड्स रिवील्ड वर्ड्स, ए चाइल्ड में बिकम इरेशनल, अविचारवान, अनवाइज, अनगॉडली, बैड, टोटली मिसगाइडेड पर्सन एंड टोटली मिसगाइडेड मैनेजर, लाइक एन एनिमल, ए बैड ह्यूमन बींग इज ए कर्स फॉर ह्यूमन सोसाइटी, टोटली अनवर्थी, अनएक्सेप्टेबल सोसाइटी। हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं, मुसलमान हैं, एक दूसरे को मार डालेंगे, जिंदा नहीं रहने देंगे, इस सबको बताएं ईश्वर तो एक है, धर्म तो एक है, मानवता तो एक है, ताकि हमारे बच्चे इस तरह की कोई उसमें बुराई में न पड़े। दुनिया की एक पार्लियामेंट बनानी है, एक वर्ल्ड की गवर्नमेंट बनानी है, एक वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाना है, जिससे कि इस दुनिया को बचाया जा सके, टेररिज्म को, आतंकवाद को नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि जब तक वर्ल्ड की गवर्नमेंट नहीं होगी तो पुलिस, वर्ल्ड की गवर्नमेंट की पुलिस कहीं भी जाएगी दुनिया में, उसे वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, वो अरेस्ट करेगी किसी भी टेररिस्ट को। तो जब तक कि हमारे पास वर्ल्ड की गवर्नमेंट नहीं है, तब तक कई देश इस तरह के हैं जो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। एनजीओ का स्टेटस यूनाइटेड नेशंस ने दिया हमें 2014 में, 6 जून 2014 की मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया यूनाइटेड नेशंस ने कि सिटी मॉन्ट्स स्कूल को अपना एनजीओ घोषित किया जाए। तो ये वर्ल्ड की बहुत बड़ी चीजें हैं, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 5 बच्चों से स्कूल हमने शुरू किया, आज 53,000 बच्चे हैं, कहीं भी दाखिले की जगह नहीं है, इतना रश है हमारे यहाँ। तो ये सब का सब एक ही मतलब से हो रहा है, और वो है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं।
ये थे सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक एवं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी, जिनका मानना है आज मानव जाति को जय जगत के नारे को बुलंद करने की आवश्यकता है तथा विश्व में वास्तविक शांति लाने के लिए बच्चे ही सबसे सशक्त माध्यम हैं। डॉक्टर गांधी द्वारा शिक्षाप्रद आध्यात्मिक बातें इन प्रतिष्ठित चैनलों द्वारा नित्य प्रसारित की जाती हैं तथा रोजाना उनके विचार CMS FM रेडियो 90.4 MHz से भी प्रसारित किए जाते हैं। छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों के मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर जगदीश गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें साहित्य भारती इंटरनेशनल, न्यूमन ग्रुप, 4C अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 से प्राप्त की जा सकती हैं। Heal the world with the power of Jai Jagat, City Montessori School since 1959 has been actively working to construct the defenses of peace in the minds of students, for which CMS in the year 2002 was awarded with the UNESCO Prize for Peace Education. A Guinness World Record holder for being the largest city school in terms of number of students enrolled, CMS education revolves around the twin poles of godliness and globalism through four pillars of education, namely universal values, excellence in all things, global understanding, and service to humanity. It is no wonder that City Montessori School's Gomti Nagar First Campus has been awarded first prize for academic reputation at all India level by the Education World magazine in its India School Rankings of 2015. It is also awarded first prize for being the best co-ed school in Lucknow as well as in Uttar Pradesh. CMS founder Dr. Jagdish Gandhi has been motivating parents and generations of good and smart children through holding special prayer assemblies and divine education conferences. 54 years ago, I started this school on 1st of July 1959. The kind of education that is being given to the children is only material. But I realized that man has three realities of life. Man is a material being, man is a human being, man is a divine being. He needs a balanced education of all the three realities of life. Therefore, I started this school with a mission to impart a balanced education to the children. Mahatma Gandhi said, "I will not follow the beaten track. I follow this. I will create my own path. I have created my own path to bring about a change through education. Change the mindset of the children." शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।